2023 आईपीएल में प्लेऑफ से पहले जो आखिरी मुकाबला था ये तीन टीमों का भविष्य तय करने वाला था, लेकिन इससे ज्यादा ये मुकाबला था भारतीय क्रिकेट टीम के किंग का और भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस का। किंग विराट कोहली, जिन्होंने सारे ऑड्स के खिलाफ जाकर एक तरफा बल्लेबाजी की, 61 बॉलों पर 101 रन बनाए और अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर पर पहुंचाया जहां से ये उम्मीद लगी कि शायद विराट कोहली की टीम जो है वो प्लेऑफ में चली जाएगी। विराट कोहली का डंका दुनिया भर में बजने लगा, तारीफों के पुल बनने लगे, ये लगा कि यार ये महानतम पारी थी, ये प्रेशर मैच में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तब आते हैं प्रिंस शुभमन गिल, कमाल की पारी। आईपीएल इतिहास में जब भी सर्वश्रेष्ठ पारियों को याद किया जाएगा प्रेशर मैच में, तो शुभमन गिल की इस पारी को जरूर याद किया जाएगा। ये जो 52 गेंदों पर 104 रन थे और जिस क्लीन हिटिंग से थे, जिस सफाई से थे, जिस स्ट्राइक रेट से थे, 200 का स्ट्राइक रेट, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और ऐसा लगा कि एक सदी के बल्लेबाज ने एक नई सदी के बल्लेबाज को बल्ला थमा दिया और कहा कि जाओ यहां से आगे भविष्य तुम्हारा। ऐतिहासिक मैच भारतीय क्रिकेट के दो महान बल्लेबाजों का, एक जो वर्तमान में महान है और एक जिसने बता दिया कि अगले 10 साल में हम और आप भारतीय क्रिकेट को कहां जाते देखने वाले हैं, कहां किस स्तर तक। हालांकि इस मैच में, इस सीरीज में आपको दुख तकलीफ होगी विराट कोहली के लिए, मतलब आपको वो पेन फील होगा क्योंकि विराट कोहली ने इस सीजन में सब कुछ झोंक दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी, चाहे बल्लेबाजी करते वक्त उनका समर्पण हो, जिस समर्पण के साथ बल्लेबाजी की, जिस प्रेशर को झेल कर बल्लेबाजी की, या उसके बाद फील्डिंग करने में जिस तरह से एफर्ट्स लगा दिए। यकीन मानिए दो तीन लम्हे ऐसे हैं विराट कोहली के जो सताते हैं, और खासतौर पर इस साल T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का हाइएस्ट रन बनाकर फिर टीम को बाहर जाते देखना और इस सीजन में बैक टू बैक शतक लगाकर एलिमिनेट होकर उनका बाहर जाते देखना, ये तकलीफ दे है, ये तकलीफ दे है, ये परेशान करने वाला है, परेशान डुप्लेसी को लेके भी करने वाला है जिन्होंने 14 मैच में 730 रन ठोक दिए, 8 अर्धशतक मारे। कमाल की टीम है, कमाल का जज्बा है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मुट्ठी सभी से बनती, और टीम को कहते हैं टुगेदर ईच अचीव मोर, शायद यही अंतर था, बाकी विराट और फाफ के समर्पण में कोई अंतर नहीं था। कमाल के दोनों प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और आईपीएल इतिहास में शायद ये दो ही जोड़ियां हैं, विराट कोहली और एवी डिविलियर्स, और विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी, जिन्होंने साथ मिलकर 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। अद्भुत थे दोनों, अविश्वसनीय थे, आज इनकी महानता के किस्से सुनाए जाने चाहिए थे, लेकिन शुभमन गिल ने आज महफिल लूट ली, महफिल लूट ली अपनी बल्लेबाजी से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, चाहे वो आखिरी में नो बॉल हो। कमाल, हालांकि किसी की हार किसी की जीत की वजह बनती है, किसी का गम किसी के लिए खुशियों का सबब बनता है, और आज खुश है मुंबई इंडियंस वाले। मुंबई इंडियंस जो 5 बार की चैंपियन है, वो 10वीं बार प्लेऑफ में जा रही है। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियन दूसरी टीम है जिसने 10 या उससे ऊपर बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये चेन्नई के नाम था, चेन्नई 12 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। ब्रावो ने भी इस बार वो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जहां पर लिखा था कैसे किसी भी टीम मैनेजमेंट ने, किसी भी एक्स क्रिकेटर ने उनकी टीम का नाम नहीं दिखाया था। उन्होंने लिखा कि 12 बार हम यहां गए हैं, 9 बार हम फाइनल तक गए हैं, हम कई बार जीते हैं, हमें रिस्पेक्ट दीजिए। और यही मुंबई इंडियंस की कहानी, आज कमाल का दिन था। पहले कैमरन ग्रीन का शतक, उस शतक ने आरसीबी के सपनों को तोड़कर रख दिया हैदराबाद की हार से, और जिस चीज का डर लगातार हमें सता रहा था कि गुजरात चेस करने में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। गुजरात चेस करने में अब तक 3 बार केवल हारी है, जिसमें 2 बार उसे मुंबई इंडियंस ने हराया, 15 या 16 मैचेस की बात हम कर रहे हैं, और आज गुजरात ने वो करके दिखाया। हार्दिक पांड्या नहीं एक्टिव थे, लेकिन शुभमन गिल और विजय शंकर, क्या कमाल की बल्लेबाजी। और बार बार हम कह रहे हैं कि शुभमन की तुलना अब ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में होने लगी है। शुभमन विराट कोहली की एक्चुअली में लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैच के बाद जिस तरह से विराट ने भी उन्हें हक किया, वो दिखा रहा था कि यार इंडियन क्रिकेट के भविष्य कितना सुंदर सुनहरा है। हालांकि इस मैच में विराट कोहली का शतक जो है वो उन तमाम लोगों को जवाब था जो ये बार बार कह रहे थे कि विराट कोहली में T20 क्रिकेट बाकी नहीं है। विराट ने कहा कि यार मैं अपना बेस्ट T20 इस वक्त खेल रहा हूं, मैं वो खेल रहा हूं जो मैं खेला करता था, और मुझे समझ में आता है कैसे गैप्स में रन बनाना है, कैसे बाउंड्रीज मारनी है, और उसके बाद जब मौका मिले तो आखिर में बड़े शॉट लगाने, अगर टीम मुझे इजाजत दे रही है तो उसका स्कोर कार्ड। लेकिन इस मैच में विराट कोहली इतिहास भी बनाते चल रहे थे, मतलब 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारने का जो इतिहास है वो बहुत लंबा नहीं है,
और आईपीएल में केवल तीन खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं। एक खिलाड़ी हैं शिखर धवन, गब्बर, उन्होंने भी ये कारनामा किया है दो बैक टू बैक सेंचुरीज मारने का। एक कारनामा किया है जॉस द बॉस बटलर ने, और तीसरे जो हैं वो हमारे किंग कोहली। हालांकि कोहली के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि यार जो किंग है ना, जब उसके किंगडम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उससे किंगडम हार जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो जो किंग है ना वो सामने से आकर लड़ता है, और वही लड़ाई आज विराट ने लड़ी है। जबरदस्त यार, आउटस्टैंडिंग। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों की लिस्ट में भी अब इनका नाम सामने आ गया है, क्योंकि 8 शतक विराट कोहली ने लगा दिया। हालांकि ओवरऑल शतकों की संख्या जो है वो इनकी अनमैचेबल है। मोहम्मद आमिर का ट्वीट जो है वायरल हो रहा है कि भाई 82 शतक जो है वो ये ठोक चुके हैं और उसमें कोई नहीं दूर दूर तक। लेकिन T20 में 8 शतक इन्होंने यहां ठोके हैं। आयरन फिंच जो है 8 हैं, वार्नर जो है 8 हैं, क्लिंजर, बाबर आजम 9-9 हैं, और वार्नर, क्रिस गेल जो हैं वो तो अलग लेवल पे खेलते थे यार, 22 शतक क्रिस गेल ने ठोके हैं। हालांकि गेल का भी रिकॉर्ड टूटा, 6-7 हो गए विराट कोहली के, अब नंबर 1 है। और ये 7 शतक आईपीएल में सर्वाधिक हैं, कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में 7 शतक नहीं मार पाया क्रिस गेल के अलावा, वो 6 पर है। यार विराट का अलग कहानी यार, मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे उस बंदे पर, जितना ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, लगेगी कि अब यहां से कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा उतना ही ज्यादा निखर कर आता है। और यही वजह है कि विराट कोहली का एटीट्यूड, विराट कोहली की कॉन्ट्रोवर्सीज, विराट कोहली के इर्द गिर्द बातें, जितनी भी चीजें हैं वो उन सबसे लार्जर देन लाइफ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका बल्ला जो है ना यार, वो उनकी जबान से, उनके एटीट्यूड से कहीं ज्यादा आग बरसता है, और ये बहुत इनक्रेडिबल। अगर आप एटीट्यूड रखते हैं तो परफॉर्मेंस विराट कोहली जैसे कीजिए। मतलब 7 शतक हाईएस्ट है, मोस्ट रन बाय इंडियन प्लेयर इन आईपीएल 2023, इतने रन किसी ने नहीं बनाए हैं, ये सर्वाधिक है। तो यहां पर भी आप विराट को हैट्स ऑफ कर दीजिए यार कि आप जैसा कोई नहीं है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे, वहां पर भी उस सीरीज में कोई इंडियन इतना रन नहीं बना पाया था। उससे पहले आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर न सिर्फ रन बनाए थे, सर्वाधिक रन विराट कोहली के थे, बल्कि विराट कोहली ने वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच जिता दिया था, तो वो भी इनक्रेडिबल था 2022 T20 वर्ल्ड कप में, मतलब अनमैचेबल था। और उसके पहले एशिया कप में विराट जहां वापसी करते हुए नजर आए थे, वहां पर भी विराट कोहली के हाईएस्ट रन थे। तो ये सारी चीजें 22 में हुई, एशिया कप 22 में हुआ, T20 वर्ल्ड कप 22 में हुआ, बॉर्डर गावस्कर 23 में हुई, अभी यहां पर वो हाईएस्ट चल रहे हैं आईपीएल में और आगे टेस्ट चैंपियनशिप। इसीलिए हमें कहना पड़ता है द मैन, द मिथ, द लेजेंड विराट कोहली। यार आप जितना प्रेशर आप इस बंदे पर डाल दीजिए, आपको झुककर इस्तकबाल यार। मतलब मैक्सवेल आउट थे, डुफ्लेसी आउट थे, कार्तिक तो शून्य पे जा रहे थे, सारे खिलाड़ी इन एंड आउट थे यार, ये बंदा आखिर तक जाता यार, क्या खिलाड़ी यार। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा इसके ऊपर, और यही वजह है कि देखिए ना, आईपीएल में सर्वाधिक रन विराट कोहली, आईपीएल में सर्वाधिक शतक विराट कोहली, किसी भी एक टीम के लिए सर्वाधिक रन विराट कोहली, हाईएस्ट शतक विराट कोहली फिलहाल चल रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड अब इस फॉर्म में ये तोड़ दे तो मैं हैरान नहीं हूंगा, बीच में तो लगता था नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अब सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड टूट सकता है और ये खिलाड़ी में दमखम है कि ये तोड़ देगा। और इसको अब फैंस का भी प्यार है, मतलब आप देखिए ना कि इस मैच में जो व्यूअरशिप चल रही थी वो 2.2 करोड़ तक चली गई जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते, बाकी में 80 लाख 1 करोड़ तक जा रही थी, बाकी इनमें 2.2 करोड़ थी। और हाईएस्ट भी जो आईपीएल में व्यूअरशिप गई है वो 2.4 करोड़ तक गई है जब विराट कोहली की टीम खेल रही थी उनके साथ, क्या नाम है, धोनी के साथ। लेकिन ये पूरा सीजन विराट का शानदार रहा, 101 रन आज बनाए 61 बॉल पे, इससे पहले 63 पे 100 बनाए थे, उससे पहले थोड़ा एक दो मैच डाउन था, लेकिन 54, 31, 54, 59, 50, 61, 82, मतलब पूरा सीजन जो रहा है बंदे का रहा है। और इसी वजह से विराट कोहली ने आज कहा भी कि मेरा T20 गेम जो है बेस्ट पे चल रहा है, मतलब अंदर जो फायर है वो दिखती है, वो रनआउट जहां पर बंदा लेट गया वो दिखाता है कि डेडिकेशन लेवल जो है वो कितना ज्यादा है, इसीलिए यार रिस्पेक्ट टू विराट कोहली। खैर इस मैच की बात कर लेते हैं, पहले बारिश मेहरबान थी, बारिश के बाद टॉस होता है, थोड़ी देर से होता है, गुजरात टॉस जीतती है, फील्डिंग करने का फैसला करती है और वहां से थोड़ा मैच गुजरात की तरफ चला जाता है, गुजरात फील्डिंग में बहुत कमाल की टीम है, मतलब अलग लेवल की टीम है। हालांकि आज जो गेंदबाजी यूनिट उनकी उतनी अच्छी रही नहीं और ये उनके लिए चिंता का सबब है क्योंकि बड़ी मार मारी विराट कोहली ने आज। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो पर्पल कैप होल्डर वर्सेस ऑरेंज कैप होल्डर्स की थी और किंग वर्सेस प्रिंस की थी, लेकिन विराट कोहली जो किंग है उन्होंने आज जलवा अपना बिखेर दिया। 61 बॉलों में 101 रन विराट कोहली ने बनाए, फाफ के साथ एक बेहतरीन शुरुआत की, 939 रन शायद फाफ और ये मिलकर बना चुके हैं जो आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक में। लेकिन सातवें ओवर में नूर अहमद जो आते हैं वो विकेट निकाल लेते हैं फाफ का और एक अजीबोगरीब ढंग से वो आउट होते हैं। इसके बाद मैक्सवेल अपना जलवा दिखाते ही हैं कि राशिद खान उन्हें उड़ा ले आते हैं, लॉमरोर आते हैं उन्हें नूर अहमद उड़ा ले आते हैं और उसके बाद ब्रिसवेल थोड़े से शॉट लगाते हैं 16 पे 26 जाते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का गोल्डन डक जो है वो खत्म नहीं होता है और
दिनेश कार्तिक इस सीजन में आरसीबी के सबसे फ्लॉप खिलाड़ी रहे हैं। दिनेश कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और बाद में अनुज रावत 15 बॉल पर 23 रन मारते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं और मैच जो है वो 197 पर खत्म होता। हालांकि 197 से ये ज्यादा डिजर्व करते थे क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। मोहित शर्मा की बहुत पिटाई हुई, 4 ओवर 54 रन, नूर अहमद 39 पे 2, राशिद 24 पे 1, दयाल 39 पे और शमी 39 पर 1 थे। मैच ठीक ठाक था 197 पर भी। इसके बाद शुरुआत जो है वो गुजरात की भी बहुत अच्छी नहीं रही। रिद्धिमान साहा आते हैं और आते ही आउट हो जाते हैं, अच्छे शॉट नहीं मारते हैं, 25 रन पर होता है। उसके बाद लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है विजय शंकर और इनके बीच में और 14 ओवर 5 गेंद पे 148 रन तक विजय शंकर साथ निभाते हैं। आई थिंक वहां तक काफी क्लियर हो गया था कि जीत कौन रहा है। 35 बॉलों में 53 रन विजय शंकर बनाते हैं और ये मैच का डिफाइनिंग था क्योंकि शुरुआत में वो स्लो खेल रहे थे लेकिन बाद में गियर तेज किया और 35 पे 53 अच्छा स्कोर है 150 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन दर्शन शनुका आते हैं, शॉट मारने में आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर मिलर आते हैं वो भी नहीं चल पाते हैं। लेकिन शुभमन गिल का वन मैन शो चलता रहता और एक्चुअली में आरसीबी जो हारी है वो गुजरात से नहीं हारी। आज गुजरात के सामने वो जीत गए थे, वो हारे हैं शुभमन गिल के सामने और मुझे लगता है इसीलिए उनको बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इंसान इतना जबरदस्त खेले तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आज वो शुभमन गिल ने यहां करके दिखाया, बेहतरीन यार, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग अल्फाज कम पड़ जाएंगे इतनी तारीफ। अब अगला मुकाबला जो है वो पड़ेगा आपका धोनी और गुजरात का। कौन जीतेगा बड़ा दिलचस्प रहेगा। मुझे लगता है चेपक में अगर होगा तो धोनी जीत सकते हैं, बाकी कहीं होगा तो धोनी की टीम मुश्किल है। मुझे लगता है धोनी की टीम ये टूर्नामेंट जीत सकती है। अभी भी मुझे लगता है कि धोनी ज्यादा बेहतर टीम है। पता नहीं कौन जीतेगा। इधर मुंबई को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, मुंबई भी यार बैटिंग ही है, बॉलिंग तो है नहीं लेकिन वो भी कमाल करते। लखनऊ भी बड़ा दिलचस्प होने वाला टूर्नामेंट है।